हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है हमारे देश की। उसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है गेट 2024 से, तो आइए देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल 249 पोस्ट इन्होंने एडवर्टाइज किया है, जिसमें मैकेनिकल में 69, इलेक्ट्रिकल में 61 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 वैकेंसीज इन्होंने एडवर्टाइज की है। रिजर्वेशंस की जहां तक बात करें, आउट ऑफ 249 पोस्ट 103 आर फॉर यूआर, 67 आर फॉर ओबीसी, 37, 18 एंड 24 आर रेस्पेक्टिवली फॉर एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस। जहां तक एज लिमिट की हम बात करते हैं, तो 28 ईयर्स रखी गई है एज ऑफ 25/7/2024, जो कि इनकी क्लोजिंग डेट भी है इस एप्लीकेशन की। इन्होंने क्लियरली यहाँ बता दिया है कि एप्लीकेंट बॉर्न बिफोर 25/7/1996, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। बाकी स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं वो यहाँ पे हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बताया गया है वो 65% ऑफ मार्क्स बताया गया है। लेकिन इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा है, ये एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेटेज गिवन टू एनी पर्टिकुलर ईयर सेमेस्टर बाय इंस्टीट्यूट ले रहे हैं। जिसका मतलब है, अगर आपके यहाँ मान लीजिए बेटे के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में 25, 50, 75, 100% का वेटेज रहता है, तो ये इसको नहीं मानने वाले हैं। इन्हें केवल एवरेज से मतलब है। तो आप रिस्पेक्टिवली उसे देख लीजिएगा और अपनी यूनिवर्सिटी से इसकी अंडरटेकिंग ले लीजिएगा। बाकी अक्रॉस डिसिप्लिन्स आप कौन कौन से ब्रांचेस को एलिजिबल किया गया है उसका डिटेल इन्होंने दे दिया है सारे ब्रांचेस में। बाकी हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो क्लियरली लिखा गया है कि गेट 2024 का ही स्कोर वैलिड है, जो रिस्पेक्टिव पेपर है उसमें उसके पहले का ये स्कोर एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। बाकी वेटेज इन्होंने बता दिया है, गेट स्कोर जीडी और पीआई का 75% ये गेट स्कोर का लेने वाले हैं, 10 मार्क्स का आपका जीडी रहेगा और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। बाकी आगे हम देखते हैं जीडी एंड पीआई, इसके लिए इन्होंने शॉर्टलिस्टिंग रेशियो बताया है 1:12, बट जैसा कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें बताया है जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं सेल में, ये रेशियो कोई फिक्स नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1:12 बुलाएंगे, ये 1:15 एंड 1:20 तक भी जाता है। बाकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बारे में बताया गया है, ये आईबीपीएस को देते हैं कि बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी से सबका डेटा रखा जाए। उसका अलग पैनल होता है वहाँ पे जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। बाकी इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि आप जो 1 ईयर प्रोबेशन में रहेंगे, ट्रेनिंग में रहेंगे, ये आपको अप्रेंटिस एक्ट ऑफ 1961 के अंडर में रजिस्टर करने वाले हैं। बाकी कॉम्पेंसेशन पैकेज देख लेते हैं, 50,000 पर मंथ आपको ट्रेनिंग पीरियड में मिलने वाला है, जिसमें आपका पीआरपी इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन बाकी सारे अलाउंसेस जैसे डीए, मेडिकल, ग्रेचुटी एट्सेट्रा एलिजिबल रहते हैं आप। जब आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तभी आपको 60 से 180 के पे स्केल में ले आते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि आपको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है 60,000 पे, 61,800 की आपकी बेसिक स्टार्ट होती है जब ये आपको कन्फर्म करते हैं। मैनुअल सीटीसी इन्होंने बता दिया है 17 लाख रुपीज रहने वाली है मिनिमम ऑफ ईवन ग्रेड पे। बाकी प्लेसमेंट की बात है तो ये कह चुके हैं कि आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं, आप इसकी अंडरटेकिंग देंगे कि आप कहीं भी सर्व करने को कंपनी को तैयार हैं। बाकी ये एप्लीकेशन का प्रोसेस है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, डिटेल वीडियो आएगी और फिर हम देख लेते हैं कि हमारा इस डेट क्या है। टेंटेटिव इम्पोर्टेंट डेट्स इन्होंने लिख दिया है कि गेट 2024 से सेल के रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए आपकी ओपनिंग डेट 5 जुलाई 2024 से होने वाली है और ख़त्म होने की तारीख विथ रजिस्ट्रेशन फीस 25/07/2024 रहने वाली है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, प्लीज डू कमेंट, शेयर एंड लाइक द वीडियो।